हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपोनेंशियल पावर्स। ठीक है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी क्लास 7th और 8th में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी हमारे फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 के अंदर एक्सपोनेंशियल पावर से लास्ट टॉपिक हमें दे रखा है। सो देयर आर सर्टेन लॉज फॉर एक्सपोनेंशियल पावर्स। सो फर्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। Laws of exponents. First law is a raised to the power m into a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n. Base same है, terms multiply हो रही हैं, तो अगर base same है a और अगर ये multiply हो रही हैं terms, तो powers क्या होंगी? Add होंगी a raised to the power m plus n. नेक्स्ट है सेकंड, ए रेज़ टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू द पावर एन। बेस सेम है, ठीक है, और टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। सो ए रेज़ टू द पावर एम माइनस एन। थर्ड, ए रेज़ टू द पावर एम होल पावर एन is equals to a raised to the power m into n. Fourth, a raised to the power m into b raised to the power m. ठीक है, आपकी बार multiply तो हो रहे हैं, लेकिन base different है। First term में base है a, second term में base है b, तो यहां पर base different है लेकिन power same है। जबकि फर्स्ट वाले में क्या था? बेस सेम था और पावर्स डिफरेंट थी, तो यहां क्या हो जाएगा? पावर कॉमन आ जाएगी और बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ए इंटू बी रेज टू द पावर एम। फिफ्थ, ए रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी रेज टू द पावर एम। डिवीजन के केस में भी वही है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम बेस को डिवाइड कर लेंगे a अपॉन b और पावर कॉमन आ जाएगी रेज़ टू द पावर m। सिक्स्थ, a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। और सेवेंथ, a रेज़ टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन। सो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब हमें इनका यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर, उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट पार्ट 64 रेज टू द पावर 1 बाय 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 इज 2 रेज टू द पावर 6 होल पावर 1 बाय 2। कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं अपन? यहां हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं a रेज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इनटू n। पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। सो 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 1 बाय 2, 2 टाइम्स 3 6, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 इज 8 आंसर। नेक्स्ट सेकेंड, 32 रेज टू द पावर 1 बाय 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 इज 2 रेज टू द पावर 5 होल पावर 1 बाय 5। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a रेज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इनटू n। सो 2 रेज टू द पावर 5 इनटू 1 बाय 5
5 कैंसिल, 2 रेस टू दी पावर 1, सो 2 आंसर. थर्ड इज 125 रेस टू दी पावर 1/3. 125 इज क्यूब ऑफ 5, सो वी कैन राइट 5 रेस टू दी पावर 3 होल पावर 1/3. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a रेस टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर m इनटू n. 5 रेस टू दी पावर 3 इनटू 1/3, 3 कैंसिल, 5 रेस टू दी पावर 1 और 5 आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फर्स्ट 9 रेस टू दी पावर 3/2. ठीक है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 3 रेस टू दी पावर 3/2. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a रेस टू दी पावर m होल पावर n a raise to the power m into n is equal to 3 raise to the power 2 into 3/2. 2 cancel, 3 raise to the power 3, cube of 3 is 27 answer. Second is 2 raise to the power 2/3 into 2 raise to the power 1/3. Base same है, powers multiply हो रही है terms. Law कौन सा apply करेंगे यहाँ पे? A raise to the power m into a raise to the power n is equals to a raise to the power m plus n. 2 raise to the power 2/3 plus 1/3. 2 raise to the power 3 LCM, 2 plus 1. 2 raise to the power 3/3, 3 cancel, answer 2. Third, 1 upon 3 raise to the power 3 whole power 7. कौन सा law use कर सकते हैं यहां पर? A upon B whole power m is equal to a raise to the power m upon b raise to the power n. So 1 raise to the power 7 divided by 3 raise to the power 3 whole power 7. 1 raise to the power 7 is 1, लेकिन denominator में हम वापस कौन सा law use करेंगे? a raise to the power m whole power n. a raise to the power m into n. So 1 raise to the power 7 is 1 upon 3 raise to the power 3 into 7. 1 upon 3 raise to the power 21. Answer. Fourth, 11 raise to the power 1/2 divided by 11 raise to the power 1/4. Base same है, terms divide होनी है. कौन सा law use कर सकते हैं? A raise to the power m divided by a raise to the power n. A raise to the power m minus n. 11 raise to the power 1/2 minus 1/4. 11, 4 LCM. 2 times 2, 2 ones are 2, minus 1. 11 raise to the power 2 minus 1 is 1/4. Answer. Fifth, 7 raise to the power 1/2
इंटू एट रेस टू दी पावर वन बाई टू। बेस डिफरेंट है लेकिन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लॉ यूज करेंगे ए रेस टू दी पावर एम इंटू बी रेस टू दी पावर एम इज इक्वल टू ए इंटू बी रेस टू दी पावर एम, सेवन इंटू एट रेस टू दी पावर वन बाई टू, 56 रेस टू दी पावर वन बाई टू आंसर। Now you can try the following questions. First, 2 raised to the power 2 by 3 into 2 raised to the power 1 by 3. Second, 3 raised to the power 1 by 5 whole power 4. Third, 7 raised to the power 1 by 5 divided by 7 raised to the power 1 by 3. Fourth, 13 raised to the power 1 by 5 into 17 raised to the power 1 by 5. Fifth, 32 raised to the power 2 by 5. Sixth, 16 raised to the power 3 by 4 or 7th 125 raised to the power minus 1 by 2. So these are the laws of exponents and powers. ठीक है, already class 8th में हमने काफी कुछ discuss किया है, so ये basic questions थे class 9th के। Thank you.